बच्चों आज बनेगा होममेड शैम्पू, शैम्पू वो भी बिना कलर के, बिना केमिकल के। इस रिजल्ट को देखकर, इस झाग को देखकर आप इस शैम्पू को बनाने पे मजबूर हो जाओगे। एक बार अगर आपने इस शैम्पू को लगाना शुरू किया तो सारे शैम्पू भूल जाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें जो मैंने चीजें यूज की हैं वो एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें हैं आपके बालों की प्रॉब्लम छूमंतर होने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं रीठा, जिसे सोपनट कहते हैं। ये इतना अच्छा होता है, इसका जो नेचर होता है किसी भी चीज़ की सफाई करना और ये झाग देना, तो वो तो हमें पहला इंग्रेडिएंट चाहिए ही चाहिए। इसे हम एक साफ बॉटल में भर के रख देते हैं। हो सके तो आप कांच की बॉटल में रखिए, 3 से 4 दिन तक इसे भीगा रहने दीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे, ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल। वो फूल भी ले सकते हैं आप, उसकी पत्तियां भी ले सकते हैं। दोनों में ही जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे बालों के लिए बेमिसाल है। 2 से 3 फूल और कुछ पत्तियों को पानी में भिगो के रखा है 3 से 4 दिन। ये गुड़हल होता है, इसमें भी काफी सारी लेस होता है जिसकी वजह से हमारे शैम्पू का बहुत काम करेगी ये लेस। और दूसरा क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पत्तियों में भी फूल में भी, जो कि हमारे बालों में केराटिन, बालों को पोषण देने में, मजबूत करने में, बालों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो यहाँ देखिए जो मैंने पत्तियां और फूल मैंने जो भिगा के रखे हैं उसका नेचुरल कलर कितना बढ़िया आ गया है। इसको मैं एक विस्कर से आपको झाग बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब इसमें मैंने जो भीगा हुआ सोपनट था, जो रीठा था, वो भी मैंने मिला दिया है। अभी मैंने कुछ गर्म भी नहीं किया, बस वही चीज़ है। ये देखिए नेचुरल तरीके की एक बढ़िया सी झाग है। आप चाहें तो बस इन दोनों चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ और ऐसे चीज़ डालूंगी जिसमें सोने पे सुहागा हो जाए। अब लेंगे तीसरा इंग्रेडिएंट, वो है चावल। चावल का मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ, चावल का जो पानी है जिसे हम वेस्ट फेंकते हैं वो हमारे काम का है। हमारे बालों के लिए तो खास रिपेयर करने के लिए चावल ही बना है। अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एंटी फंगल के लिए अदरक, हमारे बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और जो फंगल इन्फेक्शन हो जाती है ना स्कैल्प पे वो उसको भी दूर करेगा। थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए अदरक का, जिसे छील कर इसमें ग्रेट कर लीजिए। इन सबको डालकर मैं गैस पर इनको चढ़ा देती हूँ। मेरे पास कुछ फूल पत्तियां और भी पड़ी हुई हैं जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मुझे थोड़ा पानी की जरूरत लग रही है, इन सबको डालकर मैं गैस पर इनको चढ़ा देती हूँ और इसे बढ़िया सा एक उबाल आने देती हूँ। जब अच्छा खासा उबाला आने लग गया, मैंने एक छोटा सा नींबू लिया है जिसे मैंने इस तरीके से कट करके इसमें डाल दिया है। अब नींबू का तो फायदा आप सभी जानते हो, लेकिन इसकी जो खुशबू है बहुत ही अमेजिंग रहेगी। तो हमें कोई एसेंस, कोई कलर डालने की जरूरत नहीं रहेगी, हर चीज नेचुरल है। कोई भी मैंने केमिकल, कोई भी प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाला है, बस इन सारी चीजों को उबाल लिया है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर ये सब ठंडा हो गया है, मैं इसके जो रीठे हैं, रीठे के सीड्स को निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे हम पीस नहीं पाएंगे मिक्सी में। रीठे के सीड्स को आप जरूर निकाल लें, बाकी सारे जो मोटे मोटे पार्ट हैं उन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से होगा ये, हमें सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा, सारी जो चीज़ें हमने डाली हुई हैं, और इस शैम्पू को ना ये गाढ़ा भी हो जाएगा अच्छा सा। अब सारी चीज़ों को हम एक साथ छान लेते हैं। अब शैम्पू तो बनकर तैयार हो गया, अब बारी आती है उसे कहाँ रखा जाए, कितने दिन तक रखा जाए, कैसे यूज़ किया जाए। तो हमने इसमें कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ किया है, इसलिए कभी स्मेल ना आ जाए, तो हमेशा आप इसे फ्रिज में ही रखिए। अब जब हम यूज़ करेंगे तो फ्रिज का ठंडा तो कभी यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको जितना पोर्शन चाहिए उसे हल्का ल्यूकवॉर्म, गर्म नहीं करना, हल्का ल्यूकवॉर्म करना है, जिससे उसको आप यूज़ कर सकें। और आप कम से कम इसे 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, फिर आप नया फ्रेश बना लीजिए। तो इस तरीके से आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, एक से बढ़कर एक चीज़ है, इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। और आपको लगेगा कुछ ही महीनों में इतना अच्छा लगेगा कि हमारे बालों की कंडीशन, मतलब बाल रिपेयर हो गए हैं, नए बाल आ गए हैं, बालों में जान आ गई है। तो इसे आप यूज़ कीजिए, मुझे पता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है, इसे जल्दी जल्दी बनाइए। और एक बात, अगर आपने ऑयलिंग कर रखी है, काफ़ी सारी चम्पी कर रखी है बालों में, तो आप क्या करेंगे, इसी शैम्पू में थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू मिला लीजिए, जैसे बेबी शैम्पू। ये शैम्पू आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।